हल्द्वानी के कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार का आयोजन किया, जहां कई दिनों से जमीनी शिकायतें काफी मिल रही हैं, जिसको लेकर दीपक रावत शिकायतकर्ता के मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद निरीक्षण किया। साथ ही दीपक रावत ने कहा कि लगातार जमीनी फर्जीवाड़े मामले की शिकायत सामने आ रही है, इसलिए उन्होंने हकीकत जानने के लिए शिकायतकर्ता की जमीन क्षेत्र का निरीक्षण किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जनता मिलन शनिवार को करता हूं और इसमें मैंने देखा काफी मामले इस तरह के आ रहे हैं जो कि एक तरह से इनको हम लैंड फ्रॉड कह सकते हैं जी। जो जमीन किसी ने खरीदी कुछ समय पहले, आज मौके पे नापे तो उतनी जमीन है नहीं, या वही जमीन किसी और को बिक गई है, या फिर जितनी जमीन खाते में थी उससे अधिक बिक चुकी है। तो आज जो ये मामला है इसमें शिकायतकर्ता ये चंपा जोशी जी हैं देवीधुरा की, और आपका कहना है कि उन्होंने 2019 में जमीन खरीदी थी यहाँ पे, और उसके मुताबिक 1800 स्क्वायर फीट इनकी जमीन थी। आज जब ये मौके पे आती हैं तो 1800 स्क्वायर फीट नहीं है, 500 स्क्वायर फीट इनकी कम हो गई।